हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है राउंड थ्री के स्टूडेंट्स के लिए। जो राउंड थ्री में बैठ चुके हैं उनको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज, हमने अपना वन ऑन वन सेशन शुरू कर रखा है। जिन बच्चों को राउंड थ्री से या मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, कोई भी कॉमेड के से रिलेटेड डाउट है, कॉलेज से रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग, हॉस्टल के रिगार्डिंग या एरिया के रिगार्डिंग, आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन में आ सकते हो। वहां पे मैं आपके सामने रहूंगा 1 आवर के लिए, 1 घंटा मेरा आपका पूरा सिर्फ आपके लिए, जहां पे डेडिकेटेडली मैं आपको पूरा 1 घंटा दूंगा। और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड करना है, पिन कर रखा है कमेंट में, ठीक है। और जिनकी रैंक बहुत गंदी आई है, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप मैनेजमेंट कोटा से जाओ। उनके लिए मैंने फॉर्म नीचे दिया हुआ है, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कितनी फीस लगने वाली है, क्या क्या डोनेशन लगने वाला है। तो गाइस, डेट आ चुकी है राउंड थ्री की। जैसे कि आप देख सकते हैं 26 से 28 के बीच में जाएगा, और 26 से 28 के बीच में आपको क्या करनी है, अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट एडिट करनी है। यस, आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। और उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट में क्या भरना है जिससे आपको राउंड थ्री में कुछ ना कुछ मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरा मेंटर का ऐप डाउनलोड करना है जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। वहां पे जाके वन ऑन वन सेशन बुक करना, पूरा 1 घंटे का मेरे साथ, मैं आपके साथ हूंगा। और कुछ नहीं करना, वहां पे वन ऑन वन जाके सेशन बुक करना है। स्पेशली जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हमने वहां पे डिस्काउंट रखा है। डिस्काउंट कूपन कोड है आपका कॉमेड के, आपको कुछ नहीं करना, कॉमेड के डालना कैपिटल में, दैट्स अ डिस्काउंट कूपन कोड, ठीक है। और आपको वहां पे सीधा 100 रुपए ऑफ हो जाएंगे। और सेकेंडली, पूरा वन ऑन वन का सेशन जो होगा 1 घंटे के लिए होगा, कभी भी बुक कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 26 से 28 के बीच में सेशन बुक करो, ताकि मैं आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर भरते हुए हेल्प कर सकूं। तो सीधा सीधा मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पे 26 से 28 के बीच में, उससे पहले भी आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो जब भी आप वीडियो देख रहे हो। अब रिजल्ट कब आएगा भैया? रिजल्ट आएगा आपका 30 को, ठीक है। 30 को रिजल्ट आया, 30 से 2 सितंबर के बीच का आपका टाइम है। यहां पे आपको टिकट्स अपनी बुक करानी है, तो आप लोगों को अपनी टिकट 30 से लेके जितना हो सके 6 सितंबर के बीच में टिकट देखनी है। 6 सितंबर इज अ लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग, लास्ट डेट फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है। सो जितना मेरे को, मैंने बाकी अपने बैच में बच्चों को बताया था, और जितने बच्चों ने मेरे साथ पहले भी इंटरेक्ट करा उनको मैंने बोल रखा था फर्स्ट वीक में आपको जाना पड़ेगा। तो भैया 30 तारीख की टिकट देखना चालू कर दो, 30, 1, 2 जो अगस्त है उनकी सीट देखना चालू कर दो, क्योंकि आपके पास 7 दिन है, 7 days टू रिपोर्ट, आपके पास 7 दिन मिलेंगे रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है। और कॉलेज टाइमिंग्स नॉर्मली रहती है आपकी, जो रिपोर्टिंग की होती है वो 9 AM से लेके 4 PM के बीच में रहती है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ले लो, बेस्ट यही रहेगा, सैटरडे संडे को रिस्क नहीं लेना, संडे को होता ही नहीं है, ओके। बहुत सारे बच्चे आज सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पे कोडिंग की वीडियोस आने वाली है। हमने जितने बैच में हमारे बच्चों में, जितने मेरे क्लास में बच्चे जिनकी प्लेसमेंट लग चुकी है ओरेकल में, माइक्रोसॉफ्ट में वगैरह, उनकी कोडिंग वीडियोस हम ब्रॉडकास्ट लाने वाले हैं। गीक फॉर गीक से फाउंडर के साथ हमारा ब्रॉडकास्ट नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो सब्सक्राइब करना बनता है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। कोई भी हेल्प चाहिए इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा सा हम थोड़ा सा देखते हैं कि अब आपके पास राउंड थ्री में ऑप्शंस और क्या क्या है, ठीक है। सो ऑप्शंस एंड डिसीजन अवेलेबल फॉर द राउंड थ्री स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने राउंड टू में एक्सेप्ट एंड फ्रीज करा है तो कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि आप तो रिपोर्टिंग कर चुके हो। बट जिन बच्चों ने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करा है, दैट्स इंपॉर्टेंट वन, जो बाकी सारे बच्चों ने, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, ठीक है। अगर आपने रिजेक्ट एंड अपग्रेड करा तो भी आपके पास एक ही ऑप्शन होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, ठीक है। अगर आपने रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर लिया तो आप ऑलरेडी बाहर हो गए हो। बट एक लास्ट केस आता है, ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस आपको ध्यान देना है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट को राउंड टू में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती तो उसके पास विड्रॉ का ऑप्शन होता है। यस, राउंड थ्री में विड्रॉ का ऑप्शन उसको मिल रहा है। बट इन केस तब जब उसको राउंड टू में, किसमें, राउंड टू में नो सीट, कोई भी सीट नहीं मिली है, तभी ऑप्शन आपको विड्रॉ का मिलेगा राउंड थ्री में, ठीक है। अगर आपको डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हो, कोई वरी की बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, मेरा मेंटर का ऐप वहां पे सीधा डाउनलोड करना है, लिंक मैंने दे रखा है नीचे, पिन कमेंट में दे रखा है। और 1 घंटा मैं आपके साथ बैठूंगा, आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट बनवाऊंगा पहले तो, सबसे पहले, ठीक है। फिर आपको बाकी सारी डिटेल्स दूंगा, हॉस्टल फीस वगैरह सब होगा इस वन ऑन वन सेशन के अंदर, ओके। There's no seat cancellation option available during or round 3, candidate has to join the college. आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ेगा,
ठीक है, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। अगर आपको राउंड टू में सीट मिली है, चाहे आपने रिजेक्ट करी हो चाहे उसको एक्सेप्ट करी हो, आपके पास यही ऑप्शन होगा एक्सेप्टेंस फ्रीज का, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। बट अगर जिन बच्चों ने रिजेक्ट कर ली है, जिन बच्चों ने रिजेक्ट कर लिया है एंड विड्रॉ कर लिया है, वो ध्यान से सुने। अगर आपकी रैंक 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, तो मेरे ख्याल से आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हो, इफ यू हैव अ डिसेंट बजट। ठीक है, उसका मैंने क्या कर रखा है, उसका मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। वहां पे आपको सारी डिटेल्स बता दिया गया, गूगल फॉर्म कहाँ पर है, नीचे पिंड कर रखा है, गूगल फॉर्म पिंड कर रखा है। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मैनेजमेंट में एडमिशन चाहिए, जिनको मैनेजमेंट में एडमिशन चाहिए, जहाँ पे आपका डोनेशन जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी सीट्स अवेलेबल हैं, NMIT में सीट्स आ रखी हैं, BMS IT में सीट्स आ रखी हैं, NI में सीट्स आ रखी हैं, SIT में सीट आ रखी है, बहुत सारे टॉप 10 के कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट्स आ रखी हैं। तो आप गूगल फॉर्म भर लेना जो मैंने वहाँ पे पिन कर रखा है, ठीक है, पिंड फॉर्म वहाँ पे मैंने दे रखा है गूगल फॉर्म, आप मैनेजमेंट के लिए भर सकते हो। आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि अब आपके पास जब आप राउंड 3 में आ जाओगे, तो राउंड 3 में अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, या क्या ऑप्शंस अगर आप नहीं लेते हो, मतलब अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपको एक कॉलेज अलॉट होगा और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो जिन बच्चों को एक्सेप्ट अपग्रेड करके आए हैं बच्चे, और वो उनको वहां पे एक्सेप्ट फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, बट अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते, नॉट टेकिंग एनी एक्शन, तो आपके साथ क्या होगा? खाली तो नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ दिया तो क्या होगा, वो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कंसीडर कर देगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ये कह देगा कि जो आपको कॉलेज मिला राउंड 3 में लेना पड़ेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, चाहे आप डिसीजन लो ना लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देगा, और जो भी लेटेस्ट फीस होगी वो सब आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे देनी पड़ेगी, बाकी जो रिमेनिंग फीस है। अगर आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया राउंड 2, मतलब राउंड 3 पे जो भी आपको कॉलेज मिला उस पे कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तब भी आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देगा। तुम क्लिक करो ना करो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का बटन, वो अपने आप डिफॉल्ट क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें मतलब लेना ही पड़ेगा राउंड 3 तक अगर आ गए हो तो। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस है, राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, सपोज करो आपने राउंड 1 में ऐसी प्रेफरेंस भरी कि आपको कोई नहीं मिली, राउंड 2 में आपने ऐसी भरी कि आपको कोई नहीं मिली, और राउंड 3 की अब हम बात कर रहे हैं, राउंड 3 में अगर क्या होता है वो देखेंगे हम। ठीक है, विल बी कंसिडर एज अ रिजेक्ट एंड विड्रॉ एंड विल नॉट कंसिडर इन अ फर्दर प्रोसेस। अगर आपको राउंड 3 में कोई सीट मिलती है, अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते, नो एक्शन विल बी टेकन, तो आपको क्या होगा, आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ ऑटोमेटिकली सिस्टम कंसिडर कर देगा। ठीक है, तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन तभी है जब आपको राउंड 1 और राउंड 2 में नो सीट अलॉट हो, मतलब कोई भी सीट नहीं मिली हो तब, ये सिर्फ उस केस में। यार कई बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार अभी भी तुम वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बड़ी गंदी बात है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कॉलेज शॉपिंग से लेके कोडिंग से लेके बहुत सारे कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आने वाली है भाई, कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, सब्सक्राइब कर लो, और मेरा मेंटर ऐप को डाउनलोड कर लेना। 1-on-1 सेशन होगा 1 घंटे का मेरा आपकी तरफ से, ठीक है, और आप और मैं सिर्फ हम दोनों होंगे वहां पे। ठीक है, और क्या होगा वहां पे, प्रेफरेंस वर्ड लिस्ट बताई जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, हो सके तो मैं आपको जितने हो सके उतने डाउट्स भी क्लियर करा दूंगा, प्लस हॉस्टल फीस जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अगर कोई और डाउट पूछने हो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, मेन मुद्दा क्या है भैया, अब हमें क्या क्या करना है। स्टेप 1 सबसे पहले आप लोगों के लिए, स्टेप 1 सबसे पहले तो टिकट बुक कर लो, अभी जल्द से जल्द टिकट बुकिंग कर लो, टिकट बुक कर लो, कब की करनी है, 30 अगस्त के बीच से 6 सितंबर के बीच की आपकी रिपोर्टिंग है, जल्दी से टिकट बुक कर लो। टिकट कब की बुक करनी है, 28 की कर लो, 29 की कर लो, या 30 की कर लो, सबसे पहले क्या करनी है, टिकट बुक करनी है। ठीक है, स्टेप 2, अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी आपकी क्या शुरू हो गई है, राउंड 3 की एडिटिंग शुरू हो गई है। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है, रीऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी रीऑर्डर कर सकते हो, एंड मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो, एंड ऐड भी कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस में। ठीक है, इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे साथ 1-on-1 आ सकते हो,
उस समय पे मैं आपके टैब को देख रहूंगा और वन ऑन वन सेशन में मैं आपके साथ आपकी हेल्प करूंगा आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर भरने के लिए। उसमें आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड करना है मेरा मेंटर के ऐप को, वो हमने लिंक नीचे दे रखी है, डाउनलोड मेरा मेंटर ऐप, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? डाउनलोड करना है मेरा मेंटर के ऐप को और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, और उसके बाद बाकी तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। स्टेप 3, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो वैसे ही तुरंत आपको कॉलेज जाना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? सामान कैरी करने की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड, मतलब देर नो नीड टू टेक द लगेज, लगेज ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बैग्स वैग्स ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ रिपोर्टिंग कर कर आओ और स्टेप 4 अपना हॉस्टल बुक करके आओ, हॉस्टल बुक करके आना बस, ठीक है? हॉस्टल बुक करना है, ठीक है? और कुछ नहीं, मेरा मेंटर ऐप को डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा लिंक, दे दिया जाएगा पिन कमेंट में, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो ये काम आपको अभी करना है, ये 3-4 स्टेप्स हैं ये करने हैं। आप एक क्वेश्चन बच्चों में बहुत ज्यादा कि भैया हम जाके आ सकते हैं, देखो जो भी तुम्हारे मोस्ट ऑफ द जो कॉमेड के कॉलेज है, मोस्ट ऑफ कॉमेड के कॉलेजेस वो सब शुरू हो रहे हैं एंड ऑफ सितंबर, एंड ऑफ वीक ऑफ सितंबर, एंड ऑफ वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो आप रिपोर्टिंग के बाद, रिपोर्टिंग के बाद, रिपोर्टिंग आपने कर ली तो आप वापस घर आइए होम, ठीक है? फिर कॉलेज जाइए, ठीक है? आपने रिपोर्टिंग कर ली, घर आइए, सामान बांधिए, 15 से 20 दिन बाद आप वापस से कॉलेज जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सामान ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो 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 नीड टू टेक द बैगेज अभी राइट नाउ, क्योंकि हॉस्टल खाली कराने में टाइम लगेगा। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, हॉस्टल की बुकिंग करके आ जानी है वहां पे, ठीक है? उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ओके? समझ गए सब? क्योंकि एंड वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो रहा होगा, तो अभी आप घर आ जाओ, 15-20 दिन अपने पूरा सामान वामान जोड़ लो और उसके बाद कॉलेज आओ, जहां पे आपका हॉस्टल आपके लिए रेडी होगा, कमरा आपका तैयार होगा। अभी एकदम से कमरा भी तैयार नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन वो भी ले लेगा। सब्सक्राइब कर देना भैया, सब्सक्राइब कर देना, हाथ जोड़ के विनती है, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के अभी भी वीडियो देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, वो होगा कोडिंग का पॉडकास्ट, मतलब तुम्हें वहां पे बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें करनी है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट में, तो सब्सक्राइब करना बनता है, तुम्हें ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।